हमारी टीम अभी बालोतरा आई है और लगभग 4 बजे है, शाम के 4 बजे का समय है और हम बालोतरा के बूथ पर हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ वोटर्स हैं जो अभी वोट देकर बाहर आए, हम बूथ के बाहर खड़े हैं। क्या माहौल है बालोतरा में, वोट दे दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया सर। अभी दिया? अभी। क्या कितना माहौल है अंदर, भीड़ भाड़ वगैरह? सुबह भीड़ भाड़ सुबह से अच्छी चल रही है, अभी तो ठीक है चल रहा है पोलिंग, मगर यहाँ माहौल भाजपा के पक्ष में। भाजपा के पक्ष में शहर का बता बोले क्या यहाँ माहौल है? जो बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, लोगों ने सब राष्ट्र हित के अंदर सनातन धर्म के लिए बीजेपी को वोट किए। कितनी पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या फर्क नजर आ रहा है? इस चुनाव में, पिछले चुनाव से इस चुनाव में बीजेपी का पलड़ा और भारी है, ज्यादा वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार जीतेंगे। बीजेपी की ये सीट बाड़मेर से निकलेगी। पिछले कार्यकाल में कैलाश चौधरी का कार्यकाल रहा, कई जगह हम गए तो वहाँ पे के संतुष्ट नहीं है उनके कार्यकाल से, तो आप क्या कहते हैं? कैलाश जी ने विकास तो कुछ नहीं करवाया है, मगर लोग मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। मोदी के नाम पर? मोदी के नाम पर, उम्मीदवार के नहीं, मोदी के पक्ष। आपने दे दिया वोट? भाटी को दिया। रविंद्र सिंह भाटी लेके आए या देने? अभी देने जा रहे हैं। अच्छा, देने जा रहे हैं। हाँ, कहाँ से हो? यहीं से, बालोतरा से। बालोतरा रहते हो या बाहर रहते हैं? बालोतरा। बालोतरा क्या काम करते हैं? यही इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया में कैसा माहौल है बालोतरा, ये पूरा इसमें माहौल? तो भाटी यहाँ मजबूत लग रहा है। भाटी मजबूत लग रहा है? हाँ, वहाँ सॉलिड निकलेगा वो भाटी यहाँ पे। अच्छा, आपने दे दिया वोट? क्या माहौल है, भीड़ वगैरह कितनी है, कहाँ से माहौल? अभी आप देख ही रहे हो सब, भाई साहब ने बोला वो ही कैलाश निकले, बिल्कुल वोट दे दिया। हाँ, दे दिया भाजपा, कैलाश मजबूत है साहब। अच्छा, बिल्कुल। क्या क्या? अरे सोने देखो वो तो बाद में बता दी, हमारे बता। अरे टाइम तो हैंगोरी बताई देखो साहब, हमें हमारा विचार है, हमने तो कहा भाई हमारे लिए, हम तो राष्ट्रहित में वोट दिया हमने, मोदी जी को वोट दिया हमने, भाजपा को उम्मीदवार जीतेंगे, हम विकसित भारत के लिए हमने वोट किया है। रविंद्र सिंह का इतना चल रहा था, क्या है? देंगे सब, जनता जनार्दन है, सबको अपना अपना वोट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि भाई मोदी जी को वोट दे ज़्यादा से ज़्यादा सबको, हम यही अपील करते हैं। आपने दे दिया वोट? हाँ, दे दिया, अभी दे दिया। अच्छा, क्या माहौल है बालोतरा में? मोदी जी का लहर चल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, भीड़ भाड़ सुबह थी, अब भीड़ कम ही है और आराम से वोटिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने उत्साह लिया इस बार? अच्छा, युवा हैं वो रविंद्र सिंह के साथ में भाग रहे हैं, ऐसा कोई है पर आएंगे तो मोदी आएंगे। कैलाश जी का कैसा? कैलाश जी का मोदी के पीछे चलाया दे रहा है। अच्छा अच्छा, कैलाश जी आपका? रविंद्र सिंह भाटी वोट दे दिया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अशोक। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ फर्स्ट। रविंद्र सिंह भाटी को क्यों? युवा दिलों की धड़कन। अच्छा, क्या उनसे उम्मीद है आपको? कि काम करवाएंगे कुछ न कुछ, जैसा कि वो बोलते हैं उनकी बात में दम तो है, इसलिए मुझे लगता है कि वो काम करवाएंगे। कैलाश चौधरी का कार्यकाल रहा बीजेपी का? कैलाश चौधरी को मैं इतना नहीं सपोर्ट करता, मैं सपोर्ट मोदी को करता हूँ, बट बीजेपी का फैन हूँ, मुझे रविंद्र सिंह की बातों में उनमें दम लगा, इसलिए मैंने उनको वोट दिया। अच्छा जी, आपका ये कितनी बार वोट दिया आप? मैं पहली बार ही दे रहा हूँ। फर्स्ट पिछली बार दिया था, वो कौन नाम एमएलए वाला था। अच्छा, एमएलए का, ये विधान लोकसभा का पहला पहली बार पहली वोट। अच्छा, आपने दिया? पहली बार दिया। क्या? रविंद्र सिंह भाटी को। रविंद्र सिंह भाटी क्यों? क्यों हमारे युवा जनता की वो एक मुकाबला होश और क्या कहते हैं यार, मतलब पूरी उनके साथ युद्ध के साथ। आपने दे दिया वोट? हाँ, दे दिया सर। क्या कैसा माहौल, क्या है माहौल? तो है बीजेपी का ही है, थोड़ा बहुत तो है बीजेपी का है। हाँ, मैंने तो देश हित के लिए दिया है। हाँ, वो आपके तो यहाँ पर जैसे पिछले चुनाव और इस चुनाव में कोई फर्क नजर आ रहा है इस बार? फर्क तो कुछ नहीं है, साइलेंट वोटर भी है कुछ जातियों में, कह नहीं सकते, इस बार वोटिंग भी शानदार हुई है, ऐसा नहीं एक नहीं हुई है, अच्छी वोटिंग हुई है, ज़्यादा हुई है। ज़्यादा वोट होना मतलब किसको फायदा है? फायदा है भाई, हो सकता है युवा है उसके हिसाब से रविंद्र के साथ ज़्यादा जा रहे हैं। कांग्रेस का कैसा है यहाँ पर? कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। कांग्रेस का नहीं है इस बार? बिल्कुल, इधर तो कुछ है ही नहीं है, भाई तो साइड है, यहाँ पर नहीं है। आप वोट देने जा रहे हैं? हाँ सर, अभी वोट देने जा रहे हैं। आपका नाम? नाम है मेरा मालिक गोपाल पवार, बालोतरा जस्ट ये घर बाजू में है। क्या माहौल है बालोतरा में? माहौल तो अच्छा लग रहा है। किसका? अभी ये त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा। जो परसेंटेज अभी तक हुई है, जैसे बाईतू है, बाड़मेर है, कहीं 63 हुई है जैसलमेर, ज़्यादा अगर पोलिंग अचीव हुई उसमें बीजेपी को फायदा पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का। इस बालोतरा क्षेत्र में किसका ज़्यादा? बालोतरा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर है, शायद भारतीय जनता पार्टी आगे रह सकती है बीजेपी के बीच में। गजेंद्र सिंह, ये भाई रविंद्र सिंह भाटी,
और कैला जी के बीच में, कांग्रेस का नहीं है बीच में, कांग्रेस का नहीं। जहाँ बाहर का माहौल चल रहा है वहाँ कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है, बाई तू है सब जगह। बालोतरा में अंकल दे दिया वोट सुबह, जल्दी दिए, जल्दी सुबह लेकर गए। अब तो केवल माहौल देखना है, माहौल देखना है, हमारा एक और माहौल भी अच्छा ही है। या कोई फैमिली के पर्सन को दिला, ज़्यादातर लोगों ने नहीं दे के देश हित में वोट करना है और विकास है माता वोट करना है। ज़्यादातर लोग उठपटांग बोल रही है, बाकी साइलेंट लोग अभी पहले वाला वोटर नहीं रहे, वोटर समझे रही है और चारों तरफ माहौल देख ही रही है। हमारा एक लोगों से भी अपील है, देश में कन्ने वोट करवा में पूरा देश रो एक है, आबाद एक बहुत बड़ी बात। किसका किसका होल्ड है बालोतरा में, मतलब किसके पक्ष में ज़्यादा है? मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट कोई भी हो। आपने, आपकी तो चलो एज भी हो गई है, तो आपने ऐसा चुनाव या इस टाइप का रुझान जैसे बाड़मेर जैसलमेर सीट पूरे देश में चर्चा में है, बड़े बड़े लोग आ रहे, तो ऐसा कभी देखा इस बाड़मेर जैसलमेर? ऐसा माहौल पहली बार देखा, पहली बार देखा। नहीं, तो ये दो पार्टियों के बीच में ही होता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश की नज़र है इस पर, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि यार इस बार मतलब जो नहीं जाते थे देने वो भी जा रहे हैं, जा रहे हैं, है ना? तो इसमें फिर टक्कर किसके बीच में आप बता रहे हैं? टक्कर तो ये रविंद्र सिंह के और कैला चौधरी के बीच में है, कांग्रेस की नहीं रहेगी, कांग्रेस की नहीं रहेगी। आपने दे दिया वोट या दे दिया भैया वोट दे दिया जी? क्या माहौल बहुत बहुत अच्छा है और राष्ट्र हित में वोट चल रहा है बालोतरा में, यही हाल है बालोतरा में राष्ट्र हित में। हाँ जी सर, हाँ बोलिए। हमारा सर सभी युवा साथियों और माताओं बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है, वोट नहीं मांग रहे, हम सब जनता से ये अपील कर रहे हैं लोकतंत्र के महाप्रभु में सभी अपना कौम छोड़कर पहले मतदान करें और राष्ट्र हित में अपना मतदान करें। आपने अंकल वोट देने जा रहे हैं क्या? अभी जा रहे हैं, आज लेट में से 4 बज गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी जा रही है। आपने दे दिया, क्या माहौल है बालोतरा का? नहीं, माहौल तो शानदार है, अभी जो टक्कर है वो बीजेपी और रविंद्र सिंह भाटी का ही दिख रहा है, कांग्रेस का तो कोई नामो निशान ही नहीं दिखता है, वो साइड ही है, क्योंकि जो काम करवाएगा लोगों की नज़र उसी पे रहती है। अभी जैसे युवा है तो अब युवा की नज़र पूरी रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर ही है। आप क्या करते हैं? मेरा कंप्यूटर का काम है। यूथ ये है कि जैसे बंदा जो चीज़ बोलता है एक्चुअली उसको करता है, और यूथ उसको भी पसंद करती है, और अभी सोशल मीडिया के ऊपर भी पूरा उसका ही छाया हुआ है, तो इसीलिए ज़्यादा यूथ को वही पसंद आ रहा है। आप कुछ बोल के जा रहे थे उसमें, क्या बोल रहे सर? मोर तो यहाँ रविंद्र सिंह भाटी की जीत पक्की तय है, बाकी लोग कुछ भी बोले। साहब यहाँ कैला चौधरी 5 साल ये कुछ काम कराया होगा तो निकल जाएंगे, अगर नहीं कराया तो जनता जवाब दे देगी। कैला चौधरी निकलेंगे तो मोदी के हिसाब से निकलेंगे, बाकी जनता जनार्दन के हिसाब से नहीं निकलेंगे। उनके पर्सनल कोई नहीं है, जनता या उनको नहीं चाहिए, मोदी को देके वोट, मोदी को जनता देगी तो मोदी को देके वोट देगी, वो तो सब जगह ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना? और नहीं लोग, युवा लोग जो चाहते हैं वो रविंद्र सिंह को चाहते हैं। यहाँ पर क्या है अभी जैसे बालोतरा में कैला चौधरी आगे चल रहा है या रविंद्र सिंह भाटी? 4 तो बज गए, अब 2 घंटे का और समय, अब लगता नहीं है कि 6 बजे के बाद यहाँ पे इतनी भीड़ आएगी कि रात तक चले? नहीं, युवा ने सबने सुबह वोट दे दिया है, रविंद्र सिंह भाटी सबसे आगे, रविंद्र सिंह के अच्छे मतलब वोट, अच्छे अच्छे। तो पूरे क्या लगता है बाड़मेर जैसलमेर में नेक्स्ट भाटी साहब निकल जाएंगे? साहब हो जाएंगे। आपने अंकल दे दिया वोट? वोट दे दिया। तो अभी देखा है? नहीं, मैं सुबह दिया। सुबह क्या माहौल है बालोतरा का? क्या बालोतरा का माहौल तो 5 बजे बाद में मालूम पड़ेगा, अभी तक नहीं मालूम, अभी तो कह नहीं सकते। 4 तो बज गए, 1 घंटे बाद, 4:30 हो गए, तो भी अभी तक का रुझान क्या आ रहा है? रुझान तो मेरे हिसाब से तो ये बीजेपी निकल, पशुपुत्रा विधानसभा है उसमें हर बार बीजेपी आगे रहती है, इस बार भी आगे रहेगी पशुपुत्रा। आपने वोट दे दिया? जी हाँ। आपका नाम? आपका गोपाराम। पहली बार दिया है क्या? नहीं, मैंने फर्स्ट बार नहीं दिया, मैंने थर्ड बार दिया वोट। क्या माहौल क्या आपके साथ? माहौल तो पॉजिटिव है और पार्टी बना के रूल्स में जा रहा है वोट, और एप्पल के सिंबल पे सभी ने वोट दिया है, ठीक है ना? अब की बार रविंद्र सिंह भाटी आगे निकलेगा। जैसे आप तो यूथ है, यूथ काफी रविंद्र सिंह जी, युवा जो युवा युवा का जो जोश, युवा जोश इसके कारण जा रहे हैं कि क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी अपने जो मूलभूत सुविधाओं के लिए और मुद्दा उठा रहा है, स्थानीय मुद्दा उठा रहा है, और रविंद्र सिंह भाटी युवा के लिए भी आगे तत्पर है, और सभी की आवाज़ उठाने के लिए वो संसद भवन में जाने के लिए, हम उसको उत्साहित करने के लिए और आगे उनको सीट देने के लिए हम वाकिफ है। रविंद्र भाटी जिंदाबाद, रविंद्र भाटी जिंदाबाद। बालोतरा के बूथ पर माहौल हमें नज़र आया,
कि यहाँ पर टक्कर बताई जा रही है एक तरफ बीजेपी के कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी के बीच में बालोतरा के इस बूथ पर, जैसा कि हमने लोगों से बात की, टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ी नज़र आ रही है, तो आगे आगे हम और जाएंगे तो और भी किस बूथों पर क्या चल रहा है वो आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।